देश भर में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। वहीं एक बार फिर हर बार की तरह बॉलीवुड सितारे कोरोना वायरस की चपेट में सबसे पहले आ रहे हैं। जी हां, बीते दिनों अक्षय कुमार, कार्तिक आर्यन, आदित्य रॉय कपूर और कटरीना कैफ कोविड पॉजिटिव पाए गए थे। इन कलाकारों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर कोरोना संक्रमित होने की जानकारी अपने फैंस को दी थी। वहीं अब इस लिस्ट में एक और नाम जुड़ गया है। ये नाम है बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान का। जी हां, शाहरुख खान कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद फैंस उनके जल्द रिकवर होने की उम्मीद कर रहे हैं। वहीं शाहरुख के वर्क फ्रंट की बात करें तो शाहरुख जल्द ही अपनी अपकमिंग फिल्म जवान, पठान और डंकी में नजर आने वाले हैं। इसके अलावा शाहरुख कई बड़ी फिल्मों में कैमियो करते भी दिखाई देंगे। इस बीच सोशल मीडिया पर एक रिपोर्ट भी सामने आई है, जिसमें बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के बीच फैल रहे कोरोना वायरस की बड़ी वजह करण जौहर की बर्थडे पार्टी बताई गई है। दावा किया गया है कि बर्थडे पार्टी में शामिल हुए सेलिब्रिटीज में ज्यादातर सेलिब्रिटीज कोरोना वायरस की चपेट में आए हैं।